आपका गोल है सिर्फ फिट रहना। आपको फोकस करना है अपनी फिटनेस पे, नॉट ऑन बॉडी बिल्डिंग। बॉडी बिल्डिंग अलग है और आपका फिटनेस अलग है, अचीव नहीं हो पाती नेचुरली। तो इन दोनों चीज़ों को समझे आप। राजवीर सर के लिए मैं दिल से सल्यूट करता हूँ आपके लिए कि आपने जो चैलेंज दिया, एक हेल्थी चैलेंज ये हो, तो आप सभी भी इस चैलेंज को एक पॉजिटिव वे में लें। तो दोस्तों पूरा देखिए इस वीडियो को, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जो, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रन ऑन द वाइपर। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने जा रही है। इसमें दोस्तों आज का जो वीडियो, जैसा कि आप सभी ने देख लिया होगा, माय रिप्लाई टू राजवीर फिटनेस सीरीज। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी को क्लिप दिखा देता हूँ कि मैटर क्या है इस सीरीज का। मेरे जितने भी यूट्यूबर भाई हैं ना, नेचुरल, कुछ सच में नेचुरल हैं, कुछ झूठ बोल देते हैं छोटा मोटा कि नेचुरल हैं। देखो, मैं सारों की रिस्पेक्ट करता हूँ, नेचुरल हैं या नहीं है, लेकिन यूथ को मोटिवेट कर रहे हैं जिम जाने के लिए। तो क्या हुआ था, अभी 2-3 वीक्स अगो आई मेरा वीडियो जिसके अंदर आई वॉज ट्राइंग टू एजुकेट टीनेजर्स नॉट टू रन बिहाइंड श्रेडिड बॉडी हु आर एंडोमॉर्फ। बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, श्रेडिड बॉडी फॉर एंडोमॉर्फ पीपल इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, मनी, एनर्जी एंड इनर स्ट्रेंथ। बिकॉज वेन यू गो श्रेडिड फ्रॉम एंडोमॉर्फ, इफ यू आर अ फैटी पर्सन और आप श्रेडिड होना चाहते हो, तो आपको रोटी चावल कम करना पड़ता है। जब आप लीन होना चाहते हो और जब आप श्रेड होना चाहते हो, मैंने मेरी एक फोटो दिखाई थी ऐसे वाली, और मैंने ये बोला था अगर एक एंडोमॉर्फ इंसान जिसका 35-36% बॉडी फैट है, वो ये फिजिक चाहता है, तो ये अचीव नहीं हो पाती नेचुरल। तो बहुत लोगों की बॉडी होती भी है जो बचपन से श्रेडिड होते हैं, मैं बात कर रहा हूँ एंडोमॉर्फ लोगों की। जैसा मैं तुम्हें अभी लड़का दिखाऊंगा एक, और चैलेंज भी दूंगा, वो क्या दूंगा वो अभी आपको बताता हूँ। बॉडी नहीं अचीव हो सकती विदाउट स्टीरॉइड्स। तो ये ऑडियंस बेचारी इधर आ गई, फिर इधर कुछ नेचुरल यूट्यूबर्स ने बोल दिया जो खुद को नेचुरल बोलते हैं या हैं भी, उन्होंने बोला हो सकते हैं, तो ये ऑडियंस इधर आ गई। अब इस बेचारी भोली भाली ऑडियंस को समझ में नहीं आ रहा है कि इनकी बात माने या इनकी बात। पड़ोस में एक बच्चे की, 19 साल के बच्चे की डेथ हो गई थी क्योंकि, तो मेरा ये भाई है मयंक, देखो इसकी आपको दिख रहा होगा एंडोमॉर्फ है, मोटा है, और आपको इधर इसकी पुरानी फोटोज दिख रही होंगी। पिछले 7-8 साल में मैं इसको 7-8 बार ट्रांसफॉर्म कर चुका हूँ नेचुरली। अब मुझे लीन होना, श्रेडिड नहीं होना, तो वही चीज़, और श्रेडिड हो भी नहीं सकता, वो जो एप्स मैंने दिखाए वो वाले नहीं आ सकते नेचुरली। तो उसको ये चीज़ समझ में आ गई है, लेकिन कुछ वीडियोस के चलते अभी ये कुछ जिद कर रहा है, वो भी मैं आपको बताता हूँ जा। तो जो ऐसे लड़के हैं, मेरे मोहल्ले में एक ऐसा लड़का था, इसके जितनी उसकी हेल्थ थी, थोड़ा मोटा था, 19 साल की एज थी, किसी ट्रेनर को उसने कुछ पैसे दिए, कुछ खाया और उसकी डेथ हो गई। तो उस दिन मैं थोड़ा सा इमोशनली और मेंटली थोड़ा सा हर्ट था कि भाई मोहल्ले का एक लड़के की डेथ हो गई है, वो भी उस वजह से जिस वजह से मैं कई वीडियोस बना चुका हूँ लोगों को स्टेरॉइड्स लेने के लिए मना करता हूँ। आदिल देखो, ये ब्लैंक चेक है और मैं इसको साइन कर रहा हूँ, और साइन करके मैं इसको दे रहा हूँ, कर दिया, और ये चेक मैं इसको दे रहा हूँ, ठीक है। इसकी इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे डाल रहा हूँ, जो भी मेरा भाई ये चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहे कर सकता है, जैसे भी रहे वो सब मैं अरेंज करूँगा। जो आप नॉर्मल लोगों से फीस लेते हो ना, उसे 4 गुना फीस सिर्फ आपकी गाइडेंस की है। तो ये चैलेंज है, चल, तो ये चैलेंज है सारे मेरे यूट्यूबर भाई के लिए जो नेचुरल बोलते हैं और बोलते हैं नेचुरली ये चीज़ पॉसिबल है। अब होता तो दोस्तों जैसा कि आप सभी ने देख लिया होगा, ये जो मैटर है नेचुरल बॉडी बिल्डिंग पे है, क्या एक एंडोमॉर्फ पर्सन वो श्रेडिड बन सकता है या नहीं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी ने देख लिया होगा, जिसमें राजवीर सर ये बोल रहे हैं कि वो 12 लाख का चेक दे रहे हैं जो उस बंदे की ट्रांसफॉर्मेशन करवाएगा। दोस्तों उन्होंने बिल्कुल सही बात कही है, इस उनका ये जो चैलेंज है यह एक हेल्थी चैलेंज है, पर काफ़ी सारे लोग इसमें कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। वो इसमें ये बोल रहे हैं कि हम ट्रांसफॉर्मेशन करके दिखाएंगे, तो आप सभी दिखाएं उस ट्रांसफॉर्मेशन को करके। मेरी इस वीडियो को बनाने का मकसद जो है, मैं भी आप सभी के सामने कुछ एक बातें शेयर करना चाहता हूँ कि राजवीर सर ने कहा कि एक एंडोमॉर्फ पर्सन वो श्रेडिड नहीं बन सकता है। डेफिनेटली वो श्रेडिड नहीं बन सकता है, क्योंकि एक एंडोमॉर्फ पर्सन के लिए इस तरह की बॉडी बनाना बहुत मुश्किल है, जैसा कि उन्होंने वीडियो में दिखाया था। बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस, इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सबसे पहले जो मेन बात है, हमारी बॉडी वो जेनेटिक्स पे डिपेंड करती है, हमारे जीन्स पे, कि हमारे जीन्स कैसे हैं, सबसे मेन बात यही है। जैसे मैं अपनी बात करूं, खुद की बात, मैं बचपन से ही जिस तरह मैं हार्ड वर्क कर रहा हूं हर एक दिन, आप सभी को पता होगा मैं बचपन से ही घर पर वर्कआउट कर रहा हूं, तो आप सभी ने देख ली होगी मेरी बॉडी किस तरह है मेरी बॉडी। और ऐसे भी काफ़ी सारे ऐसे भाई हैं
जो कि अपनी बॉडी घर पर बना रहे हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि नेचुरल बॉडी नहीं बना जा सकते, नेचुरल बॉडी बना सकते हैं आप, इजीली बना सकते हैं, इजीली तो नहीं कहूँगा मैं, मेहनत तो करनी पड़ेगी। नेचुरल बॉडी बन सक श्रेडेड बॉडी बनाना इम्पॉसिबल है, बॉडी बिल्डिंग है, बॉडी बिल्डिंग इज द गेम ऑफ स्टेरॉइड, दैट्स एब्सोल्यूटली राइट। बॉडी बिल्डिंग बिना स्टेरॉइड के नहीं की जा सकती, स्पेशली यदि कोई ओलंपिया है या मिस्टर वर्ल्ड है, कोई भी हो, वो स्पेशली इन चीज़ को यूज़ करते हैं। और जो फिटनेस, हमें सिर्फ फिट रहना है, तो इसीलिए मैं आप सभी को भी एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ इस वीडियो के तहत। यदि आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, यदि आप चाहते हैं उस बंदे का ट्रांसफॉर्मेशन करवाएं, तो आप उसका ट्रांसफॉर्मेशन करवा सकते हैं, वो आपके लिए 12 लाख का चेक दे रहे हैं। यदि आप ऐसा चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, यदि नहीं तो नहीं। पर उस तरह का फिजिक, उस तरह की श्रेडेड बॉडी एक एंडोमॉर्फ पर्सन के लिए दैट इज इम्पॉसिबल। मुझे काफ़ी अच्छा लगा यह वीडियो देखकर, जब मैंने राजवी सर का यह वीडियो देखा, फिटनेस इंडस्ट्री के लिए काफ़ी बेहतर चैलेंज है कि एक एंडोमॉर्फ पर्सन वो कभी भी श्रेडेड नहीं रह सकता है। उसकी बॉडी मान लीजिए 6-10 महीने में उसने वैसी बॉडी बना भी दी, उसके बाद उसकी बॉडी फिर से ख़राब हो जाएगी, क्योंकि वो अपनी डाइट उस तरह मेंटेन नहीं रख पाएगा। आप सभी को एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ, मैं भी घर पर ही बॉडी बनाता हूँ, एंडोमॉर्फ पर्सन के लिए कहना चाहता हूँ। एंडोमॉर्फ पर्सन वो पर्सन होते हैं जो कि मोटे हैं, तो उनके लिए मैं स्पेशली कहना चाहता हूँ, आप सभी डेली थोड़ा थोड़ा वर्कआउट करते रहें डेली, और अपनी डाइट का ध्यान रखें, यही सबसे इम्पॉर्टेंट है। मैंने खुद भी और चीज़ें देखी हुई है, मैंने भी अपनी बॉडी को 2-3 बार ट्रांसफॉर्म कर दिया है। बाकी आप सभी देख सकते हैं मेरे चैनल पे, अभी मेरा 90 डेज़ की जो सीरीज़ चली हुई थी, 90 डेज़ की सीरीज़, इस सीरीज़ में मैं थोड़ा बिजी चला हूँ, एंड मैं तो उसका रिज़ल्ट मैं अभी तक नहीं दे पाया, जिस वजह से अभी फ़िलहाल उस वीडियो पर मैं कह नहीं सकता, पेंडिंग में जा चुकी है वो। तो मैं भी आप सभी को यही कहना चाहता हूँ कि आप स्टेरॉइड के चक्कर में ना पड़ें, यदि आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, एक अच्छी फिटनेस लाइफ जीना चाहते हैं, तो आप डेली वर्कआउट करते रहें, अपनी फिटनेस पे ध्यान दें। आपका गोल बॉडी बिल्डिंग नहीं है, आपका गोल है सिर्फ फिट रहना, आपको फोकस करना है अपनी फिटनेस पे, नॉट ऑन बॉडी बिल्डिंग। बॉडी बिल्डिंग अलग है और आपका फिटनेस अलग है, बॉडी बिल्डिंग आपके स्टेज पे और फिटनेस आपके पब्लिक में है, तो इन दोनों चीज़ों को समझे आप। राजवीर सर के लिए मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ आपके लिए कि आपने जो चैलेंज दिया, एक हेल्थी चैलेंज है, तो आप सभी भी इस चैलेंज को एक पॉजिटिव वे में लें, जैसा कि उन्होंने बार बार इस बात को रिपीट किया है, रोबल सर ने भी इस बात को बार बार रिपीट किया है कि आप सभी इस चैलेंज को एक हेल्थी वे में लें, पॉजिटिव वे में लें, नेगेटिव ना लें। काफ़ी अच्छा चैलेंज है, यदि आप इसे, यदि आप उस बंदे को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, यदि आप उस बंदे को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है। वो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप एक अच्छा फिजिक बनाना चाहते हैं, अपनी डाइट पर, अपने खाने पीने पर, जो भी आपको मिलता है उस पर अच्छे से फोकस करें, अच्छा खाना खाएं, हेल्थी फूड खाएं जितना ज़्यादा हो सके, ऐसे स्टेरॉइड के चक्कर में ना पड़ें जिससे आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो, क्योंकि बाद में वो बॉडी बिल्कुल वेस्ट ही है वो बॉडी। जैसा कि राजवीर सर ने कहा था उस वीडियो में कि श्रेडेड बॉडी इज यूजलेस, उन्होंने बिल्कुल सही बात कही है कि श्रेडेड बॉडी यूजलेस है वो बॉडी, एक एंडोमॉर्फ पर्सन के लिए वो बॉडी बिल्कुल यूजलेस है वो, क्योंकि बाद में वो उसी फील्ड में आ जाएगा जैसे वो पहले था।